ओह यार जगह तो मिलनी नहीं इसमें शिट। मेरे व्यूज ने मुझे धोखा दे दिया, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा भरी बस में। चट्टी वाला लड़का लकड़ी का यहाँ पे कुत्ते कितने मोटे मोटे हैं, इसको थायराइड हो गया लग रहा है। चाकू मंदिर जाना कैंसिल। तो गाइस एक हमारा बंदा उधर ही फंस गया। बहुत ढिल्ला है भाई ये, हम तो सारे यहाँ पे खड़े हैं। देखो ये अब आ रहे हैं स्लो मोशन, स्लो मोशन में। तो जी करने में तो इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। अच्छा हाँ, बड़ा स्लोली स्लोली करता है। तो जी यहाँ बैठेंगे गाइस हम और यहाँ पे वेट करेंगे राइड विद ब्राइड का। मैप तो मैप तूने देखा था ना, तूने व्लॉग में देखा था ना, वो जो लड़के घुस गए थे गली में, वो भी मैप ही खोल के आए थे भाई। कौन लड़के घुस गए थे? यूपी के जो यहाँ तो मैं बहुत और गाइस ये देखिए यहाँ पे भी चला हुआ है इनका अभ्यास। कहाँ है दिख नहीं रहा मुझे, ये जेट एयरवेज का वायुसेना का अभ्यास चल रहा है यहाँ पे भी देख लो। स्टिल वेटिंग फॉर राइड फॉर ब्राइड। हाँ ये टैक्सी है, बट आई नहीं रही है। तो गाइस हमें राइड विद ब्राइड फाइनली मिल गई। ओहो यार जगह तो मिलनी नहीं इसमें, शिट जल्दी घुस जा। चलो 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 हो जा। व्लॉगर आरवी कौर गाइस, अरे आ जाओ ना, कोई जानता है मुझे। किधर जाना अपने को? माल रोड। माल रोड चार। वाह भाई टिकट भी, टिकट भी ड्राइवर ही काट रहा भाई। यो ब्रो कितना देख? 80 रुपये। 80 रुपया नोनी इसमें से निकाल जेब में से। गाइस ब्लॉगर आरवी कौर देखने साथ हुए, अभी हम इंटरव्यू देते हैं, ये क्या है। और अब देखिए धक्का मक्की में घुसते हुए गाइस। अरे मंडी गाइस मेरे बहुत चीट करा आप लोगों ने मेरे साथ, मेरे व्यूज ने गाइस मुझे धोखा दे दिया, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा भरी बस में। हाँ तो गाइस फाइनली खुली हवा में आते हुए हाँ थोड़ा सुकून मिल रहा है। बहुत बड़ा धोखा दिया गाइस आप शिमला वालों ने, है ना। वीडियोस पे कमेंट तो करते रहते हैं, बस में किसी ने पहचाना नहीं, सीट नहीं थी किसी ने यार, हद है इतनी बड़ी सार को ही भूल गए तुम लोग यार। बड़ी किसी तो हूँ गौर से देखिए शख्स को। मक्खन मेरे से वो वाली पंच लाइन नहीं, वो ये महातरम सुन, वो वाली पंच लाइन नहीं मेरे से रिकॉर्ड हुई। मक्खन सुन, वो वाली पंच लाइन नहीं मेरे से रिकॉर्ड हुई जब तू कह रहा था इसको भी देख लेना, पता लगा एक साइड ही खड़ा है, हम बस में चढ़ के निकल भी गए क्योंकि टाइम लगाता है गाइस सड़क क्रॉस करने को। हाँ अत्री मैं अपने गॉगल नहीं लाइक लेकर आ रहा भाई यहाँ पर, कोई बात नहीं। ये माल रोड का रास्ता है गाइस, आज का व्लॉग पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, तो नहीं कितने पार्ट बनेंगे आज हाई सालसा करते हुए। ये सालसा करते हुए गाइस यहाँ पे कुछ लोग तो देख रहे हैं मेरे को, अब वो वैसे देख रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं पता नहीं मुझे, क्या पता पहचान रहे हैं ये वही है वीडियो वाली कोई और है, पहचान लो मुझे मैं वही हूँ। मजाक करते रहते हूँ मैं इसमें चीज़ों को लेके, आप सीरियस मत हुआ करो, एंटरटेन करते रहना चाहिए ना। तो आई एम वेरी एंटरटेनिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, बस मेरे घर वालों को ही मैं एंटरटेनिंग नहीं लगती है, मैं थकी तुम जाओ भाई। अरे रब्बा चलो यार चल रही, मैं थक गई रुक जा। और भाई ये चट्टी वाला लड़का ऊपर का भी बना देते भाई इसको।
में कुछ नहीं है, लोकल आदमी के लिए बहुत अच्छे प्लेस बने हुए हैं। सर हम सिर्फ ब्रिज घूमने आए हैं, नथिंग एल्स सर। थैंक यू। वैसे यहाँ मार्केट कौन से? मार्केट में तो शाम को होता है घूमने वाले। अच्छा, ब्रिज मैदान पे भी तो खाली खाली मिलेगा, पहले देख लो। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं जाना। थैंक यू सर, एडवाइजरी फ्री है। हाउ यू गाइस, बिजनेसमैन अपना बिजनेस बनाते हुए, और ये प्यारी सी सुंदर सी क्यूट सी लड़की। और ये कीजिए गाइस आप शिमला दर्शन। काश मेरा घर यहीं पे होता ना, मजे आ जाते भाई। कितने क्यूट लग रहे वो पहाड़ियों पे ऐसे घर। हमारे नाम में भी हैं ऐसे, बट अलग अलग जगह का अलग अलग मजा है ना। जैसे यहाँ कैसे लग रहा है कि हम लोग तो वहाँ आ गए फॉरेन के किसी सिटी में। मतलब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे अंग्रेजों की बनी हुई जो है ना, आज भी एज इट इज़ है, क्योंकि यहाँ पे कभी अंग्रेज बसा करते थे गाइस। और आपको एक चीज़ बताऊँ, अंग्रेज इतने उल्लू के पट्टे थे, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना अभी, वहाँ पे लिखा होता था यूनी डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यहाँ पे चल मिलेंगे यहाँ अंग्रेज, वही पेल के आ जाएंगे साले। तुम ऐसे बोल रहे थे तुम नहीं घूम रहे यहाँ पे, तो ये बात है गाइस। देख लो अंग्रेज हमारी जगह पे राज कर रहे थे। अगर यहाँ एक भी अंग्रेज दिखा ना, शामत नहीं है उसकी, मुझे नहीं एक भी दिखा अभी तक। पकड़ के उसका साथ धोएंगे ना, बोले यहाँ पे क्या लिखता है हमारे बारे में, इंडियंस नॉट अलाउड। और ये यहाँ का रिज ग्राउंड है गाइस, जिसको कि हम मालोड भी बोलते हैं और रिज मैदान भी बोलते हैं। और इसके नीचे बताऊँ आपको, पानी है सारा। और ऐसे बोलते हैं कि किस दिन ये फटा ना बाई चांस, तो आधा शिमला साफ हो जाएगा, और वैसा दिन कभी ना आए। चल लो तुझे घोड़े पे बिठाते हैं, ढूंढ ढूंढ करेंगे। तू पता है तेरे जब तू छोटा था तब करवाया था तेरे को यहाँ पे ऐसे घुड़सवारी। पापा को तेरे को बिठाती हूँ, चल ना। मैं तो कभी ना बैठूं, मैं बॉम्बे नहीं बैठी, डर लगता है मुझे। वैसे गाइस यहाँ पे शाम को ही मजा आता है घूमने का ना, मतलब शाम को थोड़ा और क्राउड रहेगा, और शाम को मौसम सुहावना होता है। तो तुझे क्यों घर जाना जल्दी? मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए जाएंगे यहाँ से। ये रहा चर्च, गेटी थिएटर बता रही हूँ कहाँ है। हाँ? ये किसको दिखा रही थी मैं? ये तो चर्च है। हाँ ये चर्च है, गेटी थिएटर पीछे है क्या? ओके, रॉन्ग गाइस, रॉन्ग। और ये देखिए, आई लव हिमाचल, यस ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। हाँ खाएंगे, चलो थोड़ा घूम लें पहले गाइस। यहीं से घुड़सवारी कर लीजिएगा आप, लक्कड़ बजा रहे ना आगे। और गाइस ये दुग्गल जी हमेशा इनको जल्दी रहती है, पता नहीं कहाँ भागी जा रहे हैं। ओ ओ अरे भाई, इंगे रुको इंगे, हम पीछे रह गए। आपको भाई साहब ट्रेन पकड़नी है? ट्रेन पकड़नी है आपको? कौन सी ट्रेन पकड़नी है? जाले वाले क्या लेके घूम रहे दाढ़ी में? चलो चले, ठंड ठंड में आके कितना अच्छा सा लगा। कै कै की। यहाँ पे ऐसे रास्ते होते हैं, देखो और देखो। घोड़े की नाल इसी को बोलते हैं ना, घोड़े की नाल। ये क्या भैया, घोड़े की नाल ना? हाँ जी। ओके, ए बुत्तू पारू पारू शे बुत्तू। कहाँ गए मेरे साथ वाली पट्टी के? अच्छा ये है, पापा फिर आगे आगे ला, दुग्गल जी फिर आगे पहुँच गए। इनको ब्रेक लगा लगा के रुकना पड़ता है। रुक जाओ रुक जाओ, असी भी थोड़े नाल हैं। ये पापा आप साथ नहीं चल सकते? ओ देख ननी डॉगी तो कितनी पारू है। तो गाइस ये भी यहाँ पे वन ऑफ फेवरेट फूड है, जो कि सीताराम संस, आपने देखा भी होगा कई वीडियोस में आता है इन लोग का खाने पीने का। अब देखते हैं हमारे खाने पीने का कब बनेगा कुछ। भूख भाख लग रही है किसी को? मुझे तो लग रही है, लेकिन मुझे तो खिला दो। एक
गाइस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम इतना चले जा कहाँ रहे हैं। चांद पे जाने की तैयारी में हैं क्या हम लोग? चल चल किसी तरह चांद पे पहुँच जाएंगे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि रुक रही नहीं रही, रुक रही नहीं, चले जा रहे हैं। हम पता नहीं कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पे तो विंटर्स का ही सामान दिख रहा है ज़्यादा। अरे वहाँ नीचे कुछ हो रहा है, रुको। ये लगी वन नटी, ये शवश। अरे फोकस हट गया भाई, इनको पता भी नहीं होगा ये व्लॉग में आ रही हैं। स्कूल है कोई ये। चलो चलिए। बताओ मशहूर बाजार लक्कड़ बाजार हिमाचल शिमला का। लक्कड़ तो दिख नहीं रहे हैं कहीं। लक्कड़ कहाँ है? लक्कड़ लक्कड़ कहाँ? यहाँ पे लकड़ी के सामान मिलता है। यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं यार। नाम तो उसी के नाम से मशहूर है ना, है आगे है। क्या हाल है जी? जहाँ लकड़ियों का डिपो है लकड़ी के पर्स। अच्छा लकड़ी है ना, वो लकड़ी नहीं होगा, वो जूट होगा, पता नहीं कुछ। चलो गाइस कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं मिल रही है। इंटरेस्टिंग चीज इंग्लिश बोलते फंबल क्यों आता है मुझे हमेशा, इसलिए कहते हैं बेटा पढ़ो 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 बच्चों पढ़ो। और गाइस मुझे अभी अभी ऐसा फील हुआ कि हम जस्ट चांद को छूने वाले थे, उससे पहले ही मक्खन ने बोल दिया चलो। हाँ जी क्या देखा? चांद को छूने वाले थे हम, शुक्र है कहीं तो ये पैदल यात्रा रुकी अपनी, अब फिर वापस जाएंगे पैदल यात्रा करके। आए क्या करने थे लक्कड़ बाजार में एक लकड़ी की शॉप तो दिखी। चलो हमने कुत्ते यहाँ के मोटे हैं, बैटिंग करवा इनको। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग यार, ये गाइस जहाँ के कुत्ते कितने मोटे मोटे हैं। इसको थायराइड हो गया लग रहा, इधर से ज्यादा मोटा हो गया भाई, थायराइड हो गया इसको बेचारे को। थायराइड में तो पतले होते हैं मोटे, सारे मोटे हैं भाई, सबको थायराइड थोड़ा हो सकता है। खाते पीते घर से आए ये लोग। नान में वैसे ऐसी मिलती है पर यहाँ की भी देख लो आप। एक और लकड़ी की दुकान ये वही है। अरे भाई जिसने खाना उसको तो पूछ लो, उसको कोई पूछ रहा ही नहीं। खाया ना परांठा यार? यार परांठा तो खाया, मुझे और भूख लग रही है। आई वांट मोर, और कुछ भी को ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा डिलीशियस कुछ खाओ। यहाँ खाने पीने का कहाँ है यार, सारा ही तो खाने पीने की सारी दुकान नहीं। ये पूरियां पानी थोड़ा खानी है अपने, हमने खुंडी ले लो आप ही। चलो खुंडी ले लो ऐसी सी। दुग्गल जी की चाल स्लो होते हुए गाइस। खाओ जी पुरिया, खाओ पुरिया। क्या बनाने? कोई नहीं होगा। क्या 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 हमें ही बताओ। मामा भांजी क्या बात चल रही है? अच्छा ये थी वो लकड़ी की शॉप। और ये देखिए क्या गजबदार टोपी। अरे हट जाओ, नहीं टोपी रहेगी मेरी। वो देखिए क्या गजब की टोपी, गजब की पूड़ियों के साथ। गाइज अगर आपको शिमला घूमना है ना तो आपको तीन चार दिन के लिए आना पड़ेगा। एक दिन में आप नहीं घूम पाओगे। हम तो खाली ये यहाँ पे आए हैं माल रोड पे घूमने, भी वैसे ही थोड़ा सा कि चल रोनी को दिखा देते हैं, बट एक दिन में आप शिमला घूम नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे चलने मलने का बहुत ज़्यादा है। घूमने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे एडवांस स्टडी हो गया, जाखू मंदिर हो गया। अब जाखू मंदिर के लिए वो ट्रॉली है ना, उसमें सुनने में जाखू मंदिर की जो ट्रॉली लगी है उसका 500 रुपीज़ है ना, उसका पता नहीं। 500 रुपीज़ पर पर्सन है। दुग्गल जी अब चढ़ नहीं सकते क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, तो 500 पर रुपीज़ अगर लगेंगे है तो जी भी कह रहे थे तेरे, तो जाने के 2000, 500 आने के 2000, 4000 चले ट्रॉली में। चल शर्ट लगा ले। हेलो जो नीचे से लिफ्ट से ना कहाँ से जाती हो, वो जो जाखू मंदिर के लिए जो जाती है ट्रॉली, क्या क्या कितना चार्जेस है उसका? 500 है मेरे, देखा 500 है पर पर्सन। हाँ। नहीं नहीं इतना नहीं है, देख खुद जरा पता करो। चलो पता कर लेते हैं, अगर सस्ता हुआ तो चल देंगे, देखते हैं। चलो क्या डिसीजन लेते हैं, फिर आते हैं वापस। जब ये छोटा होता था तब रोता था,
अब हम रो रहे हैं बिठाने के लिए इसको। बैठ जा बैठ जा। बच्चा बड़े में डिफरेंस तो होता है, इतना भी बड़ा नहीं होगा, छोटा ही अभी जाको मंदिर तक का। उसका सर उसका होगा 400-450 का टिकट होगा उसका। पर पर्सन नहीं, वो है दोनों साइड पर, दोनों तरफ 450 एक टिकट। चलो वही 500 ही हो गए, देख ले 500 समझ ले, 450 बोला उन्होंने। चलते हैं ऊपर, चल करेंगे शूट फिर। चलो चलते हैं ऊपर। नहीं नहीं भैया, फोटो हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो भाई जाखू मंदिर जाना कैंसिल, महंगा पड़ेगा अपना, अपने को अपना इतना बजट नहीं है अभी, बाद में देखेंगे कभी। दिखाने वाली चीज़ है वैसे जाखू मंदिर, हम बनानी तो रील या वहाँ खाएंगे, वहाँ चलो वो जहाँ पे भीड़ है। तो भाई एक दो रील तो मैंने बनाने की कोशिश करी है, बट हेडफोन नहीं लाई मैं, है ना, तो इनपुट नहीं आ रही थी वॉइस की ज़्यादा। तो जैसा भी बना होगा अप्लाई कर देना, बस रील्स एक दो बनाई है। उस साइड जाते हैं ना, दिस वे, वहाँ है पीने का। अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते हैं गाइस, मुझे तो कब से लग रही है भूख, पता नहीं क्यों। आज गुलाब जामुन भी है यहाँ पे, पापा तभी मान गए थे जल्दी। चलो जी क्या खाओ बोलो। मेरे मुंह तक तो हमेशा बात नहीं पहुँची ये चीज़ें, पहले तो दुग्ध लेके जाती हैं, एक घूट बोल के चार घूट मार लिया। और क्या करना उन्होंने, चीयर्स टू यू गाइस। इतना कुछ तो खा लिया यार, मेरा तो पेट भी भरा हुआ है। एंड गाइस ये खाते खाते हम लोग कॉर्न्स खाते खाते मजाक फन कर रहे थे कि एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना, क्योंकि एक दाना 1 रुपया का था, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्राइस रखे हुए हैं उस हिसाब से ये 1 रुपये का एक दाना सूटेबल था। तो हम लोग मजे करते करते खा रहे थे, और आगे का व्लॉग देखें आप पार्ट 4 में।